हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपडेट दूंगी आपको जो मैंने वाटर गॉड लगाया था, जिसको बोलते हैं लौकी की बेल। ये देखिए कितनी ग्रोथ हो गई है, उसकी अपडेट दूंगी कि ये देखिए इस टाइम में आप टाइम से लगाइए और कितनी अच्छे से। ये देखिए मैंने इसमें चार पेड़ लगाए हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि चार पेड़ के लिए जगह कम हो जाएगी आगे चल के, तो ये देखिए। और फ़िलहाल के लिए तो ये बहुत अच्छे चलने स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखिए इसमें ये इनको बोलते हैं, जैसे ये आते हैं ना ऐसे गोल घूम के, ट्रिंडल्स बोलते हैं इनको, जो ये सपोर्टर्स होते हैं बेल के चढ़ने के लिए ऊपर। ये देखिए ये भी आने लग गए हैं इनमें। ये इस तरह से मेरी लौकी की बेल देखिए इतनी ग्रोथ कर ली है उसने। और मैंने खाद भी आपको देखो उस टाइम आपको जब मैंने इसको डाल रही थी, लगा रही थी, मैंने आपको बताया है। इसमें नीचे देखिए आधे पोर्शन में मैंने इसके जो है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए डाल रखी थी, ये भी मैंने पहले आपको बताया था। और वो भी अच्छे से डिकम्पोज हो रही है। और ऊपर से मैंने ये पेड़ लगाए थे, कितने देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। अब इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए और एक पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ से इनको ऊपर चढ़ाऊँगी वहाँ मैंने इनको देना है धीरे धीरे करके जगह। और इसके साथ मैं आपको दूसरे भी दिखाती हूँ, जो मैंने करेले के बीटर गार्ड लगाया रखा था वो कितना ग्रोथ हुआ है। इसके तो मैंने वाटर गार्ड के तो मैं छोटी सीडलिंग लेकर आई थी, चार सीडलिंग। और जो बीटर गार्ड हैं उसके मैंने सीड लगाए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, बीटर गार्ड भी मेरे, ये देखिए इसमें सिर्फ तीन ही सीडलिंग निकली हैं। एक्चुअली मैं जब इसे लगा के चली गई तो इसमें ये ऐसी रहा, सीडलिंग इसकी निकली नहीं थी, सीड डाल के चली गई थी मैं अपने हस्बैंड के उधर। तो मेरी जो सास हैं उन्होंने इसमें एक आधी बार वाटरिंग नहीं करी, जिसके कारण इसमें सीडलिंग देखिए कितना लेट निकल रही है। 10-15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बाद अब सीडलिंग निकल रही है। देखिए छोटे छोटे सिर्फ ये तीन सीडलिंग हुई हैं, सीड से निकले हैं। और ये दो मेरे जो थे ये दूसरी जगह में हो रहे थे मेरे प्लांट, वो मैंने वो भी यहाँ पे लगा दिए हैं। तो फिलहाल ये जो है पांच प्लांट्स हैं ये मेरे इसमें करेले के। तो अब ये भी धीरे धीरे करके, इसका भी मैंने सेम प्रोसेस ऐसे ही रखा था पॉट में, आधा मैंने जो है इसमें अपना किचन वेस्ट होता है वो डिकम्पोज करने के लिए डाला हुआ है, और आधे हिस्से में मैंने इस तरह से सीड्स लगाए कि धीरे धीरे करके जब वो नीचे बैठने लग जाएगा, धीरे कम वो बनेगा, तो मैं इसमें और ऊपर से डालूँगी फिर बनाने के लिए सॉइल और डालूँगी। फिलहाल के लिए क्या है, क्योंकि छोटी सीडलिंग है अभी, तो इसके लिए इतना बहुत है। तो ये देखिए ये दो अपडेट आपको मुझे देनी थी फ्रेंड्स। तो आप भी अभी भी टाइम है, जिन दोस्तों ने अभी नहीं लगाए हैं जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, तो अब लगाइए, क्योंकि रेनी सीजन में फ्रेंड्स यही सब्जियां चलती हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक और अपने गार्डन में उगाएंगे तो बहुत ही अच्छी होगी और हेल्दी सब्जी होगी वो हमारे लिए खाने के लिए। और आप अगर आपके पास रखने वो नहीं है, जैसे कंटेनर नहीं है, तो आपके कोई बकेट है आपके कोई बेकार, या आप ग्रो बैग है या किसी, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हैं, आसानी से वो ग्रो होगी। तो आगे इसकी आपको मैं नेक्स्ट अपडेट दूंगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स। तो बने रहिए मेरे उस चैनल में, जो फ्रेंड नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय फ्रेंड्स।